मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है, उसके बाद हमें इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे हम अपना फेसबुक ओपन करेंगे। इस तरह का दोस्तों आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमें ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें पासवर्ड को चेंज करना है, दूसरा पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ हमें सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ हमें कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर हमें कुछ नहीं करना है, हमें कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ दोस्तों आपका फ़ोन नंबर जीमेल दिखा देगा, हमें कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे जीमेल में ओटीपी जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ओटीपी आएगा। तो हम यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें जीमेल पे चले जाना है। यहाँ हमें रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हो ओटीपी यहाँ आ चुका है, कॉपी कर लेना है, उसको हमें याद कर लेना है। उसके बाद हम को यहाँ डाल देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं लेट हो गया, इसीलिए बैक हो गया। फिर से हमें लॉगिन कर लेना है। गूगल में जो हमने सेव किया था उसको यहाँ डाल देना है। जिस तरह हमने पिछले बार किया था उसी तरह हम करेंगे। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ। इतना दूर तो हमने कर लिया था, अब हमें कंफर्म पे क्लिक करके यहाँ ओटीपी डाल देना है। तो आइए जल्दी से मैं कर लेता हूँ, ओटीपी यहाँ डाल देता हूँ जल्दी से। ओटीपी डाल के हमें यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप भी अपना फेसबुक लॉगिन कर सकते हैं। तो आप मेरा प्रोफाइल देख लीजिए। तो दोस्तों मेरा यहाँ अभी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, फोटो वीडियो मैसेज कुछ भी नहीं। दोस्तों मैंने इस तरह अपना फेसबुक लॉगिन कर चुका है। तो आपका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप भी ये स्टेप फॉलो कीजिए, आपका भी फेसबुक लॉगिन हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिए।